बात देखिए ये ना कि अब वो पार्टी पार्टी ही नहीं रही जिस जिस पार्टी के लिए हम लोगों ने अपेक्षाएं रखी, जिस पार्टी के लिए हम लोग काम करने के लिए आगे आए थे। हम ही नहीं, हम तो बहुत, मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं तो एकदम अंतिम पंक्ति का वॉलेंटियर था और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था, चूंकि मैंने ये डिज़ाइन किया था। और आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि वही हमारे लोगों के बैकड्रॉप में बैठ करके और तरह तरह की कुटिल राजनीति हो रही है, तरह तरह की गलत बातें हो रही हैं जो कि हम इस पार्टी से अपेक्षा नहीं कर रहे थे। इससे हम बहुत आहत थे। हमने कहा भाई हमारा लोगों तो वापस कर दो, अपनी पार्टी चलाओ। हम लोग को इंटरेक्शंस आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं हर तरफ, क्योंकि फेसबुक सबसे बड़ा माध्यम है जहाँ पे हम लोग जुड़े हुए, फेसबुक ट्विटर में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग निराश हैं और बहुत ऐसे ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल थे इस पार्टी के, विदेशों से खासकर मैंने देखा, वो लोग भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जिस तरीके से पार्टी है। देखिए एक बात और बता दें आपको कि पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक आदमी इसको चलाए। पार्टी पार्टी में अगर सब लोग थे, हम इसमें मैं नाम नहीं लेगा, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जी और जो आपके प्रोफेसर आनंद है, ऐसे जैसे लोग और भी बहुत से विद्वान लोग थे, वो सब लोग रहेंगे तब तो पार्टी बनेगी। एक आदमी से थोड़ी ना पार्टी बनती है। और हम लोग की अपेक्षा ही था, देखिए जितने वॉलेंटियर्स खड़े थे आज आम आदमी पार्टी के पीछे, वो इसलिए खड़े थे कि वहाँ इतने ल्यूमिनरीज थे वहाँ पे, आज वो लोग हैं नहीं। आप अकेले पार्टी चला रहे, एक बात है, हमने लिखा है चिट्ठी में कि हमें एक आदमी की सनक का स्वराज क्यों चाहिए, क्यों चाहिए एक आदमी की सनक का स्वराज।